हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबर आपको बता दें, सिंधु बॉर्डर पर दोपहर 2 बजे किसान एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं और आगे की रणनीति तय करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर अब आगे क्या होगा, किस तरीके से किसान इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, ये तय किया जाएगा सिंधु बॉर्डर पर आज होने वाली 2 बजे इस बैठक में। कानून वापसी पर किसान अड़े हुए हैं। 12 दिसंबर को देश भर में टोल फ्री करेंगे। 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का भी किसानों ने ऐलान किया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सिंधु बॉर्डर से सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, 2 बजे ये बैठक होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति तय करेंगे किसान, वहीं 12 तारीख को लेकर और 14 तारीख को लेकर किसानों की क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? बिल्कुल अंदर, जिस तरीके से हम बात करें साफ तौर पर 12 तारीख को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरीके से जो किसान नेता है साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो अलग अलग राज्य हैं जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं वहाँ के नेताओं से हमारी बात हो रही है साफ तौर पर, हमारे वहाँ के नेताओं से लगातार वो टाई अप किए हुए, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी ये मिल रही है कि सरकार पर पूरी तरीके से दबाव 12 तारीख को बनाया जाए, जिसकी वजह से कहने का जो उस कानून को सरकार वापस लेने की कोशिश करे। पर जो हालात मैं आपको दूं नजर यहाँ पर है, साफ तौर पर किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो किसान हैं और किसान नेता हैं लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बिना किसानों की रजामंदी के कानून क्यों थोपा जा रहा है सरकार पर, किसानों पर। तो साफ तौर पर किसानों में काफी ज्यादा यहाँ पर रोष है। और जिस तरीके से रंजनी मैं आपको बताऊँ, अलग अलग जो बॉर्डर है, चाहे यूपी दिल्ली बॉर्डर की बात करें, पलवल हरियाणा, जो पलवल से कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए जो एंट्री होती है फरदाबाद होते हुए दिल्ली आते हैं उस बॉर्डर की बात करें, या फिर गुरुग्राम हाईवे की बात करें, तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं किसानों ने मोर्चे संभाल कर कल, क्योंकि 12 तारीख है, ऐसे में अलग अलग जो टोल प्लाजा है उनको फ्री करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट पर है। नंदरी में आपको बता दूं कि दिल्ली के जो मेन जो रोड्स हैं, जो अलग अलग जो रोड्स हैं जो नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं, वहां पर साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया और ऐसे में बैरिकेड कर दिया है। तमाम जो वाहन है उनको यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, तो ही कहीं ना कहीं दिल्ली में एंट्री की जा रही है। तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर किसानों की, किसान साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार भी यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही है। साफ तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया। जी जी बिल्कुल, अब जाहिर तौर पर 2 बजे अब आगे की रणनीति क्या है किसानों की, उसके बाद पता चल जाएगा। राजा, अगर बात करें किसानों के गुस्से की, किसानों के आक्रोश की, लगातार 16वें दिन आंदोलन जारी है। सरकार अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, वहीं किसान अड़े हैं कि कानून की वापसी करवाकर ही हम मानेंगे। तो जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन के, तो आप जब किसानों के बीच, चूंकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इतने दिनों से, तो इन 16 दिनों में किस किस तरीके का रिएक्शन किसानों की तरफ से आपको देखने को मिला है, चाहे वहां पर तमाम जो यंग क्राउड किसानों का पहुंचा हुआ है या तमाम बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, तो अब वो 16वें दिन पर क्या कह रहे हैं, क्या कोई बदलाव पहले दिन और 16वें दिन पर उनके अंदर? बिल्कुल अंदरी, काफी ज्यादा जो आक्रोशित यहाँ पर आज किसान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लगातार अलग अलग जो यहाँ पर मीडिया कर्मी है उनके जो कैमरे पर साफ तौर पर यहाँ पर गुस्सा दिखाते हुए जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि 16 दिन हो गए। ऐसे में मैं आपको बता दूं नंदनी, यहाँ पर ठंड जो बहुत ज्यादा है, क्योंकि खुला आसमान है, ऐसे में किसान रात को खुले आसमान के नीचे सोते हैं। सुबह भी ऐसी जानकारी मिली कि कई किसान बीमार है और हॉस्पिटल में उनको नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर नंदनी में आपको बता दूं ठंड है, और सुबह से यहाँ पर धूप जो है हल्की हल्की निकल रही है, तो ऐसे में ठंड का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रकोप किसानों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है कि आखिरकार सरकार को इस बिल को हटाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो साफ तौर पर दूसरी तरफ जिस तरीके से किसान नेता लगातार अपने जो नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संशोधन तो सरकार करने को तैयार हो गए ना, जो MSP जो बात हो रही थी जिसको लेकर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया गया था, वो कहीं ना कहीं सरकार अब लिखित में देने को तैयार है। तमाम जो मांगे हैं, चाहे बिजली की बात करें, पराली के कानून की बात करें, या फिर अलग अलग कानूनों की बात करें, तो सरकार तमाम जो पॉइंट बाय पॉइंट मानने को तैयार है। उसके बावजूद किसान इस बात पर अड़े हुए कि जब तक कानून खत्म नहीं कराते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर अब सरकार के लिए बनने होने जा रही है। बड़ी चुनौती सरकार के लिए अब इस आंदोलन को लेकर बनती हुई नजर आ रही है।